हेलो, 11th क्लास के बच्चे, चलिए आगे रिलेशन फंक्शन का वीडियो आज मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो रिलेशन पे हमने दो क्लासेस अभी तक कर ली हैं, रिलेशन के बारे में समझ लिया, तरह तरह के रिलेशन हमने देखे थे। तो फंक्शन आज हम शुरू कर रहे हैं। तो पहली बात, रिलेशन और फंक्शन में जो डिफरेंस मैंने आखिरी क्लास के वीडियो में आखिरी जस्ट 1-2 मिनट के अंदर हल्का सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर, ये मेरे पास में स्क्वायर फंक्शन है, या इसको हम क्वाड्रेटिक या पैराबोलिक फंक्शन इसको बोल सकते हैं। स्क्वायर फंक्शन, दिस इज अ स्क्वायर, और हम इसको क्वाड्रेटिक बिकॉज इसमें डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक भी हम इसे बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन स्क्वायर फंक्शन है। अब आप इसमें सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिया +2 और ये लिया मैंने -2, ठीक है। तो आप यहाँ पे डालो दिस इज एक्स और ये कितना हो गया मेरे पास में एफ ऑफ एक्स है। तो फंक्शन जो मेरे पास में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर। तो ये अलग अलग तरीके से पहली बात आपको समझना पड़ेगा लिखने का तरीका। एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, हम इसे जी ऑफ एक्स भी हम इसमें कर सकते हैं, मैं इसे सिंपली वाई इज इक्वल टू भी लिख सकता हूँ। तो ये तीनों बातें एक ही है, आप इसको लिखने का तरीका ऐसा रखें या फिर जी ऑफ एक्स रखें या वाई बराबर एक्स स्क्वायर रखें, बात एक ही है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर मैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं एक्स की जगह वैल्यू और ये वाई की जगह जो वैल्यू है ये वाई होगा हमारे पास, वाई इज इक्वल टू ऑफ एक्स हमारे पास में चीज। अब यहाँ पर एक्स की जगह आप कितना डालोगे, आप यहाँ डालोगे 2 का स्क्वायर, तो बोलो कितना निकला, वाई इज इक्वल टू 4 निकला। और यहाँ पर आप डालोगे -2 का स्क्वायर तो वाई पर कितना निकलेगा, +4। तो आप ये देखो यहाँ पर +2 और -2 दोनों को डालने पर कितना आ रहा है, मेरा 4 आ रहा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी रिलेशन में और फंक्शन में जो एक डिफरेंस आपके पास में होता है। रिलेशन में हमारे पास दशरथ के अंदर हमने देखा था कि तीन कनेक्शन बैठ रहे थे। तीन कनेक्शन कौन से बैठ रहे थे कि वो वाइफ वाला लिया था हमने, तो सुमित्रा, कौशल्या और कैकई। तो रिलेशन ऐसे हो सकते हैं, एक आदमी की 3 वाइफ हो सकती हैं, एक आदमी की 3 बहनें हो सकती हैं, एक आदमी के 3 दोस्त हो सकते हैं। तो रिलेशन में ये चीज तो पॉसिबल है, एक के साथ में मोर देन वन कनेक्शन बैठ सके। मगर फंक्शन में हमारे पास में क्या होगा, दिस इज नॉट फॉर फंक्शन, फंक्शन ये चीज नहीं होती है फंक्शन में। अच्छा देखो, मैं अपने हिसाब से मैं डेफिनेशन बताऊं फंक्शन की, तो फंक्शन का जो मेरे हिसाब से जो मैं अपने व्यूज मैं सम, जो जो मैंने समझा है फंक्शन को, वो हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एनी आइडेंटिटी ऑफ मैथ्स। मैथ्स या कहीं पर भी आप मैथ्स के अलावा भी कहीं जाते हो चीजों में, तो हर एक आइडेंटिटी मैथ्स के अंदर हर एक आइडेंटिटी अपने आप में एक फंक्शन है। मतलब वो उसका एक काम होता है, वो एक काम करता है। मैं लेता हूं एरिया इज इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है और ये भी एक फंक्शन है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक फॉर्मूला है और ये भी आपके पास में एक फंक्शन है। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको जस्टिफाई पहले कर देता हूं। तो आप देखिए यहां पर मैं लेता हूं रेडियस और यहां पर लेता हूं मैं एरिया। रेडियस मैंने लिया 7, यदि आप रेडियस 7 लेते हो, कोई सर्कल का रेडियस 7 है, आप यहाँ पुट करो 22/7 पाई की वैल्यू और इनटू में 7 × 7 आया, 1 7 7 कट गया, तो 22 × 7 जो 22 × 7 154 निकलेगा मेरे पास। तो ये आपका कितना निकला, दिस इज 154। ये रेडियस जब मैं 7 लेता हूँ तो सर्कल का एरिया आपका 154 आएगा। क्या आप मुझे ये बताइए कि 14 पे आपका समथिंग कुछ और, उसका डबल आपका जो भी निकलेगा, 14 के लिए भी निकाल लेते हैं 22/7 इनटू में दिस इज 14 और इनटू में 14, 7 × 7 = 7 × 7 = 7 × 7 = दिस इज 14 × 28 इनटू में 22, दिस इज 2 × 8 = 16 × 2 = 4, दिस इज 5 × 2 = 6, 5 × 6 = 6, 11 और ये आपका निकला 616। तो ये आपके पास में निकला दिस इज 616। ऐसे आपका 21 आपका जो भी निकालते जाओगे। तो एक चीज आप समझिए कि रेडियस 7 लिया तो उसका आंसर 154 आ रहा है। क्या कोई दूसरा बच्चा सॉल्व करेगा, मैंने सॉल्व किया तो इतना आया, कोई दूसरा बच्चा सॉल्व करेगा तो एक रेडियस के 2 एरिया निकल सकते हैं क्या? सोचो, मैं फिर से वही क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक रेडियस है तो उसका एरिया 2 अलग अलग तो नहीं आ सकते?
नहीं आ सकते। तो ये फॉर्मूला क्या आपके पास एक फंक्शन है, या एक चीज पे आप एक वैल्यू लेते हो उसके दो अलग अलग आंसर नहीं आ सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं आ सकते हैं, तो उसका मतलब क्या हमारे पास में ये फंक्शन है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिस इज अ रिलेशन, रिलेशन में एक के साथ में दो या तीन चीजें कनेक्ट हो सकती है, मगर फंक्शन में आपका ऐसा नहीं होगा, फंक्शन में आपके साथ में एक के साथ में एक ही आएगा, पहली बात तो ये। हाँ, मगर ऐसा हो सकता है क्या कि हम यदि इसको बोले दो के साथ में एक आ जाए तो इसको फंक्शन बोल सकते हैं। हमारे पास फंक्शन के अंदर ये देखो मैंने फंक्शन ले रखा, एग्जांपल जो दिया था स्टार्टिंग में, ये जो मैंने फंक्शन लिया था तो ये फंक्शन कहलाएगा, दिस इज अ फंक्शन, ये भी आपका फंक्शन कहलाएगा, ये भी आपका फंक्शन है, मगर ऐसा कोई सिनेरियो आएगा तो ये फंक्शन नहीं, रिलेशन कहलाता है। तो रिलेशन फंक्शन में ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा एक मैटर आपके पास। चलो एक काम करते हैं, आप ये समझो एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक का दो, मतलब एक के साथ में दो नहीं हो सकता, हाँ दो के साथ में एक हो सकता है। तो ये एक आपको याद रखना पड़ेगा टैगलाइन, एक के साथ में दो नहीं होगा, और दो के साथ में यदि एक होगा तो हमारे पास वो फंक्शन कहलाता है। और ये मैंने ये मैं आपके पास दो एग्जांपल देता हूँ, एक ये, तो ये वाला फंक्शन भी है और ये वाला फंक्शन भी है, ठीक है। अब ये फंक्शन की बात हो गई और रिलेशन के अंदर आपका सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, और कुछ नहीं इसमें ऐड कर सकते। एक लाइन मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ, जितने भी रिलेशन होते हैं, ऑल रिलेशन आर, ऑल रिलेशंस, ऑल जितने भी रिलेशन हैं, या सॉरी उल्टा, जितने भी फंक्शंस हैं, ऑल फंक्शंस आर, यहां एक चीज ऐड कर देता हूं, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे रिलेशन कहलाए जा सकते हैं, मगर ऑल रिलेशन, बट ऑल रिलेशन, ऑल रिलेशंस आर नॉट, बोलो क्या, आर नॉट फंक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप थोड़े से और अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा कि ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी फंक्शन है उसमें रिलेशन तो बन जाता है, मगर हर रिलेशन के अंदर फंक्शन बने वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपका, ये जो मैंने बताया एक का दो नहीं होना चाहिए, ये चीज है। एक हम और थोड़ा सा इसमें ऐड कर दो पॉइंट, ये दो मैंने एग्जांपल लिए, ये वाला एग्जांपल लिया और एक सर्कल का मैंने एरिया का एग्जांपल लिया। तो इसमें देखो फंक्शन के टाइप्स मैंने यहां पे लिख रखे, दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ऑपरेशन के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से जो फंक्शन है उसके टाइप्स में हमारे पास में अभी ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, इतने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। मगर यदि मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूं कि फंक्शन के अंदर क्या चीज, हालांकि थोड़ा सा ट्वेल्थ में भी चीज जाएगा, तो ट्वेल्थ का हल्का सा आप यहां से थोड़ा बेसिक बना के चलो, ट्वेल्थ में ये चीज चैप्टर बिल्कुल एज इट इज कंटिन्यू आएगा, ये सारी चीजें वहां पर आपको काम आनी आनी है। मैं बोल दूं दिस इज अ रिलेशन और ये दोनों मेरे पास में फंक्शन है, ठीक है। चलो तो हमें क्या करना है फंक्शन के अंदर, हमें ये आपने देखा दो चीजों पर आपके पास में एक आ रहा है, इसे बोलेंगे मैनी वन फंक्शन, इसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन, मतलब मैनी वन मतलब कि बहुत सारों के साथ में एक कनेक्ट हो रहा है, इसे बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन में आपका फिक्स है, एक के साथ में एक ही आएगा, एक रेडियस 7 लिया तो आपका आंसर 154 यूनिक आएगा। तो वन वन फंक्शन का मतलब ये भी फंक्शन हुआ जहां पर एक ऑब्जेक्ट के साथ में यूनिक इमेज कनेक्ट होती है, उसे बोलते हैं वन वन फंक्शन। और यहां पर मैनी वन मतलब मैनी का वन, मैनी के साथ में आप मैनी का वन मतलब मैनी के साथ में एक कनेक्ट हो रहा है, तो ये भी आपका फंक्शन कहलाएगा। ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन, ये वाला फंक्शन वन वन फंक्शन, और ये तो खैर इट इज नॉट अ फंक्शन, ये आपके पास में रिलेशन है। तो ध्यान रखना वन वन मतलब एक के साथ में एक फंक्शन, इसको बोलते हैं, इसका नाम ही वन वन फंक्शन है, आप समझो इस बात को, इस तरह के फंक्शन को मैनी वन फंक्शन, मैनी का वन, ठीक है। वन का मैनी नहीं हो सकता, ये फंक्शन आपके पास मैनी के साथ में वन हो सकता है, मगर उल्टा यदि करो वन का मैनी तो वो तो फंक्शन नहीं, वो तो रिलेशन कहलाएगा, वो आपका रिलेशन कहलाएगा। तो ऑपरेशन के हिसाब से ये फंक्शन का टाइप अभी मैं ले रहा हूं, बाकी फंक्शन एज एन डोमेन और को डोमेन के हिसाब से आपके पास दो टाइप के होते हैं, दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। आगे इसमें फंक्शंस में और डिटेल्स भी जाएंगी, वो आगे हम 12th क्लास में करेंगे, बट फिलहाल आप इतना समझ लो रिलेशन फंक्शन को डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन एक बार देख लेते हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन थोड़ा सा फंक्शन के टाइप्स ऑपरेशन के हिसाब से कितने होते हैं। तो पहला लीनियर फंक्शन है, ये मैंने इसको लिखा है लाइक दिस, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू
थ्री एक्स प्लस का 5। तो ये फंक्शन है। अब इसका आप देखोगे तो मैं यहाँ पे y बराबर 3x प्लस 5 है, तो ये कुछ जाना जाना सा फंक्शन मेरे पास में, जाना जाना सा फंक्शन। यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करो 1, तो आपका y कितना निकलेगा। अच्छा, ये मैं इसके अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ। ये 10th क्लास में आप लोगों ने किया होगा, दिस इज x एंड y। तो 1 पुट किया तो 8 आया, दिस इज 2 पुट किया तो 6 प्लस 5 कितना निकला आपका 11 आएगा। तो ये चलता जाएगा आपका, 3 पुट किया तो आप देखो ये जो मेरे पास में। अच्छा, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम चीज वही कर रहे हैं, डोमेन और रेंज निकाल रहे हैं। ये फंक्शन का लीनियर फंक्शन है, पर पहला लेयर लीनियर फंक्शन में। तो लीनियर फंक्शन में डोमेन का मतलब क्या होगा कि आप इसमें वैल्यू इनपुट क्या डाल रहे हो। इनपुट मतलब यदि मैं आपको एरो डायग्राम से बताऊं तो हमेशा हमारे पास में दो सेट होगा, एक्स और वाई। तो पहला सेट वाला जो होता है फर्स्ट ऑर्डर वाला, वो आपका डोमेन, और सेकंड वाला आपके पास में उसका रेंज होता है। तो यहाँ पर आप जो एक्स की वैल्यूज डाल रहे हो इनपुट डालोगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा आपका डोमेन। इस फंक्शन में डोमेन हम क्या क्या डाल सकते हैं, तो या तो कई बार क्या होता है लीनियर फंक्शन में, वैसे तो आपका आप हमेशा क्या लेके चलते हो उसमें, दिस इज ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर मतलब यहाँ पर आप कुछ भी डालो, ये किसी चीज को मना नहीं करेगा, ये रैशनल नंबर को मना नहीं करेगा, ये इंटीजर डालोगे तो भी ले लेगा, ठीक है। ये इरैशनल नंबर आप डालोगे वो भी ले लेगा, मना नहीं करेगा ये। आप यहाँ पर यदि कोई रूट का नंबर डालते हो, रूट टू पुट करते हो, तो रूट टू पुट करोगे 3√2 + 5, तो आपका वो जो आएगा दिस इज 3√2 + 5, इसको भी आप प्लॉट कर सकते हो नंबर लाइन पे। तो ये आपका ये इसका ग्राफ यदि हम प्लॉट करेंगे तो आपका यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो आपका ये स्ट्रेट लाइन जो भी मिलेगा, मैं एक रफली एग्जांपल दे रहा हूं आपका, तो ये लीनियर फंक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड लीनियर बिकॉज डिग्री इज गिवन है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। इसका जो डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये किसी भी नंबर को लेने से मना नहीं करता, इसको किसी खास तरह की चीजों के से परहेज नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो हमारे पास में लीनियर फंक्शन का जो होता है डोमेन ऑल रियल नंबर, और रेंज भी क्या होता है हमारे पास में ऑल रियल नंबर। तो ये पहला वाला मैंने लिया इस तरह से। आपको हर फंक्शन का डोमेन और रेंज, कुछ फंक्शन के जो आपके पास डिफाइंड फंक्शन है उसके अंदर तो आपको डोमेन रेंज बाय डिफॉल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो लीनियर फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर, क्योंकि मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, शायद क्योंकि समझ में नहीं आया होगा, दो बार रिपीट कर चुका हूँ, एक और बार करता हूँ। डोमेन का मतलब इसमें आप क्या पुट करोगे। देखो एक और एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, मैं अभी भी दे देता हूँ मैं, कि आप ये लाइट्स ऑन है यहाँ पे, आपने फैन का बटन दबाया, तो फैन का बटन दबाना मतलब फैन में आपने करंट सप्लाई किया तो फैन चलना शुरू हो गया। तो फैन का बटन दबाना इज अ डोमेन, और उसके कारण उसका पंखा चल जाना इज कॉल्ड रेंज। तो इनपुट जो हम डालेंगे वैल्यूज उसको डोमेन बोलेंगे, और ये जो आउटपुट हमारे पास निकल रहा है इसका रेंज आएगा। तो ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, बट इसमें एक कंडीशन में डाल दूं कि कुछ कंडीशन में यदि मेरे पास में रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यदि होगा, मतलब ये वैसे तो भगवान ने इसको बनाया कि भैया ऑल रियल नंबर कुछ भी ला लो, मगर हम कई बार क्या करते हैं कि हमने कोई फंक्शन लिया और हमने उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दी, तो रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं हमारे पास किसी। मैं इसी एग्जांपल में लेता हूं और मैं इसमें बोलता हूं कि एक्स इज ग्रेटर देन 5, मतलब अब ये मैंने इसका डोमेन आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये फंक्शन आपको लेना है मगर सिर्फ यही डोमेन के लिए लेना है। तो उस केस में आपका जो रेंज आएगा वो आपको चेंज करना पड़ेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट में क्या लेके चल रहा हूं, बाय डिफॉल्ट कि यदि नहीं दिया है कोई रिस्ट्रिक्शन तो ऑल रियल नंबर, और यहां पर भी आपके पास ऑल रियल नंबर। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यदि आपके पास में होगा तो उसके हिसाब से क्या आएगा, रिस्ट्रिक्टेड हमारे पास में उसका रेंज भी आएगा, वो हम अभी निकालना सीखेंगे। तो ये आपको बात तो ध्यान रखनी है, रिस्ट्रिक्शन होंगी तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। चलिए दूसरा फंक्शन लेते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास में जैसे डिग्री 1 था वैसे आपके पास में डिग्री 2 होगा, तो डिग्री 2 होगा हमारे पास में, वैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, तो दिस विल बी f(x) = 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये इसकी डिग्री 2 है। तो इसका भी ग्राफ आप बना सकते हो, आप वही सेम आप टेबल बनाओ, इसको y बराबर आप 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 लोगे, यहाँ पर भी आप इसमें टेबल बनाओगे तो यू विल फाइंड आउट ये किसी चीज को लेने से मना करेगा क्या, नहीं मना करेगा। इसको नेचुरल नंबर भी दे दो, इसको रैशनल नंबर भी दे दो, इसको इरैशनल नंबर भी डाल दोगे तो मना नहीं करेगा, बड़े प्रेम से ले लेगा, ठीक है भैया। तो ये होता है। तो हमारे पास में इसका डोमेन क्या बना भाई साहब, बताइए इसका डोमेन भी क्या बनेगा, ऑल रियल नंबर, और इसके हिसाब से जो इसका रेंज आएगा वो भी आपका ऑल रियल नंबर आएगा।
तो दिस इज ऑल रियल नंबर, यहाँ पर भी हम लेके चलेंगे, मगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यदि केस आएगा तो वो यहाँ पर भी सेम चीज वैलिड होगी। यदि रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर डाल दी है तो उसकी इमेज भी उसके हिसाब से या उसका जो रेंज है वो भी उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड होगा। वो हम अभी क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, थोड़ा सा थ्योरिटिकल पार्ट, क्योंकि 11वीं क्लास में नई नई चीजें आ रही है तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, बट क्वेश्चन बहुत कम है, तो करने वाला काम तो बिल्कुल नहीं है, समझने वाला काम ज्यादा है इसके अंदर, तो समझते जाओ। ठीक है, अगला क्यूबिकल फंक्शन। तो ठीक है, डिग्री यदि मैं इसके अंदर क्यूबिकल फंक्शन लेता हूं तो दिस इज एक्स का क्यूब, तो ये भी हमारे पास में क्यूबिकल फंक्शन में हमारे पास ये निकला, और इसका भी आप चाहेंगे तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके डिफरेंट डिफरेंट वाई बराबर आप इसको एक्स क्यूब ले लो, और इसके अंदर भी आप फिर इसमें चेक करो, इसमें सारे नंबर डाल के देखोगे, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर, तो ये सबको लेगा, मना किसी को नहीं करेगा। तो ये भी क्या होगा मेरे पास में, इसका भी आएगा दिस इज ऑल रियल नंबर, और ये भी कौन सा निकलेगा, ऑल रियल नंबर अंडर सेम कंडीशन कि रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी यदि हुई तो आपको उसके हिसाब से डोमेन आपका चेंज करना पड़ेगा। ये तीनों फंक्शन जो है लीनियर मतलब डिग्री वन, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री टू, क्यूबिकल का मतलब डिग्री थ्री, तो ये तीनों फंक्शन बड़े अच्छे फंक्शन है, ये मतलब अच्छे फंक्शन आई मीन टू से कि इनको किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है किसी किसी खास आदमी को कि आपको बैगन नहीं खाना है, ठीक है, आप बैगन से एलर्जी करो, बैगन खाने से आपका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी चीज को मीठा खाने के लिए मना करते हैं, तो ये और कुछ बंदे हेल्दी होते हैं वो सब कुछ खा लेते हैं, तो ये भैया ये तीनों फंक्शन हमारे पास कैसे हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, इसमें हर तरह का नंबर आप डालोगे ये आराम से उसे ग्रहण कर लेगा, ठीक है, ग्रहण कर लेगा मतलब रिसीव कर लेगा। चलिए अब उसके बाद में थोड़े से फंक्शन जो है वो हमारे पास शुरू होना आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो आगे देखते हैं क्या और वैरायटी हमारे पास में है। तो यस, रैशनल फंक्शन आया जो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग सोच रहे होगे कि सारे वही लिख दो, सारे क्यों बता रहे हो फिर जब सबका ऑल रियल नंबर आना है, तो नहीं सबका ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी, थोड़ा सा डोमेन उसका बदल सकता है, तो वो देखते क्या है ना, हर जगह ऐसा नहीं होता। अब रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने 10th क्लास में सीखी होगी, पी अपॉन क्यू फॉर्म, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब मेरे पास में कोई फंक्शन आया, सपोज y बराबर मैंने जो यहाँ ले रखा है दिस इज x माइनस वन और डिवाइडेड बाई कितना रखा x माइनस का 3, तो ये फंक्शन है, अब बताओ इसमें डोमेन क्या डालेगा, ये सब कुछ ले लेगा, ये नेचुरल नंबर ले लेगा, बोले हाँ साहब ठीक है ले लेगा, रैशनल ले लेगा ठीक है ले लेगा, कोई कोई नंबर रैशनल नंबर ले लो, 1/2 ले लो, 3/2 ले लो, कुछ भी ले लो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके अंदर कोई और नंबर लेना चाहो इरैशनल नंबर तो वो भी आपका ले लेगा इरैशनल नंबर, तो ये तो क्या इसका भी मैं लिख दूं ऑल रियल नंबर, नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ और देखो क्या बोलता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो नीचे वाला पार्ट हमारे पास में है इसका डिनोमिनेटर जो है ये आपके पास में दिस शुड नॉट बी x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x इज नॉट इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 3, यहां पर आप सब कुछ डाल लेना, जितने नंबर है लाखों करोड़ों सारे डाल देना, मगर यहाँ पर कौन सा मत डालना, क्योंकि 3 मत डालना। अच्छा 3 क्यों डालना भैया, y बराबर x माइनस 1 तो नीचे कितना निकल गया 3 में से 3 गया तो 0 आया, अब ये 0 आ गया तो क्या मतलब होगा इसका, हाँ ये भी बड़ा बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि किसी के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए उसका मतलब क्या, उसको हमने क्या करे उसको मैथ्स में से निकाल दिया, क्यों निकाल दिया हमने, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं है, ये नॉट डिफाइंड कहलाता है, ये हमारे पास में नॉट डिफाइंड कहलाता है। अच्छा नॉट डिफाइंड का भी मैं यदि यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बताऊं कि नॉट डिफाइंड का मतलब आप 2/0 रखोगे या फिर आप 0/2 रखोगे, समझ लो एक बार, किसी के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नॉट डिफाइंड क्यों कहलाता है, मैं तो भैया प्रैक्टिकल बात करके आपके सामने कराऊंगा ताकि आपको नॉट डिफाइंड का मतलब समझ में आ जाए, और 0/2 तो मेरे पास में 0 आएगा, दिस इज द डिफाइंड वैल्यू, 0/2 मतलब ये डिफाइंड चीज है, तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ, तो 0 में 2 का डिवाइड यदि आप करते हो तो 0 में 2 का डिवाइड करते हो तो डिवाइड चला जाएगा क्या, देखते हैं एक बार करके देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। तो 2 की टेबल आप पढ़ोगे तो 2 की टेबल आप यदि बोलते हो तो दिस इज 2 1 2, ये कितना 2 2 4, ये कितना 2 3 6, अच्छा तो 2 0 कितना है 2 0 0, तो ये भी 2 के टेबल का पार्ट है, 2 0 0 2 1 2, तो 2 0 आपने कितना दिया 0, तो 0 में 0 गया, तो हाँ देखो ये आपका डिवाइड हो रहा है, मतलब ये एक वैलिड चीज है कि आपका 0 में 2 का डिवाइड देंगे तो आंसर 0 आ रहा है। अब इसका उल्टा करके देखो जरा, ये 0 डिवाइडेड बाय 2 सर उल्टा, अब ये 2 अंदर आएगा और 0 आपके पास में यहां पे आएगा, अब 0 में आप डिवाइड करके देखो तो 0 1 0
जीरो की टेबल में लिख दू, जीरो की टेबल भी यहाँ लिख देता हूँ, जीरो इंटू वन जा जीरो, जीरो इंटू टू जा जीरो, जीरो इंटू थ्री जा जीरो, जीरो इंटू फोर जा जीरो। कहाँ तक जाओगे आप? जीरो की टेबल पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, जीरो वन जा जीरो टू जा जीरो थ्री जा जीरो टेन जा इलेवन जा फिफ्टीन जा हंड्रेड जा थाउजेंड जा टेन थाउजेंड जा। और सोचो कभी ना कभी तो टू आएगा जीरो की टेबल में, आएगा क्या? बोले साहब मैं तो ले आऊंगा। तो ला के रख भाई, तू 500 तक पढ़ ले, जीरो 500 जा, जीरो 1 लाख जा पढ़ ले, कभी जीरो से आगे बढ़ेगा ही। तो ये आपका जो है ये चलता जाएगा, ये कभी जीरो की टेबल आप कितनी भी बड़ी लिख लो, जीरो की टेबल में कभी टू नहीं आएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड है। तो ये नॉट डिफाइंड मतलब किसी के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो नॉट डिफाइंड होता है। ये मैंने प्रैक्टिकल आपको प्रूफ करके दिखाया, पहली बात तो ये। तो हमारे पास में क्या निकला कि रैशनल फंक्शन होगा तो आप क्या डालोगे, ऑल रियल नंबर? नहीं, यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर इसको क्या नहीं बोले, किसी को मीठा नहीं पसंद है, वैसे इसको सब कुछ पसंद है, सब खा लेगा, ऑल रियल नंबर, मगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं आना चाहिए। तो यस वी कैन राइट ऑल रियल नंबर, मगर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बस ये एक छोटी सी एक कंडीशन इसमें डल गई है कि कुछ भी ले लो मगर नीचे वाला पार्ट आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर रेंज, रेंज उसके हिसाब से चेंज होगा। तो रेंज जो होगा यहाँ ऑल रियल नंबर ही आएगा, रेंज अब इसका निकालना है आपको, क्योंकि ये मॉडिफाइड होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉडिफाइड रेंज, हम इसको बोलेंगे मॉडिफाइड, मैं इसको लिख देता हूँ मॉडिफाइड, मॉडिफाइड रेंज मतलब रेंज आपका इसके हिसाब से आपका चेंज होगा। तो वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, वो क्वेश्चंस में आएगा। चलिए अगला स्क्वायर रूट फंक्शन लेते हैं। तो स्क्वायर रूट का देखो निशान ऐसा होता है, देखो स्क्वायर रूट है ना, रूट के अंदर है, तो रूट का हमारे पास में क्या हिसाब किताब बैठता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो रूट का हिसाब किताब बैठेगा, क्या बैठेगा? तो रूट के अंदर हमारे पास में क्या चीज है, ये लिया मैंने फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस का 16। अब ये मेरे पास में निकला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 16। अब ये मेरे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस का 16। अब मुझे बताइए यहाँ पर ऑल रियल नंबर चलेगा क्या, मतलब प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री? हाँ, यहाँ पर आपके पास में क्या चलेगा, एक्स जो हमारे पास होगा ऑल रियल नंबर, इसको कोई परेशानी किसी नंबर से नहीं है, ये रैशनल इरेशनल और इंटीजर और सब नंबर ले लेगा हमारे पास में। तो क्या बोलेंगे इसके अंदर, कोई परेशानी आई तो नहीं, क्या बोलेंगे इसके अंदर, ऑल रियल नंबर। अभी तक इसके अंदर आप देखो गौर से तो ये एक्स की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, मगर जो उसका रेंज आएगा, रेंज मतलब आप इसको इस तरह से लिखिए y बराबर x का स्क्वायर माइनस 16 का अंडर द रूट, ठीक है? अब आप देखो यहाँ पे x की जगह नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, आपका जो आंसर है y, मतलब जो इसको मैं इस तरह से ले लेता हूँ, ये हमारे पास में लिया 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ये लिया मैंने। चलिए, ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास डोमेन और ये इसका कोडोमेन या फिर रेंज हो गया। अच्छा, आप मुझे बताओ x की वैल्यू आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, आपका जो आंसर है y, ये आपका नेगेटिव आ सकता है, ये आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, क्या ये नेगेटिव आ सकता है? नेगेटिव मतलब किसी भी चीज का रूट, मैंने बोला अंडर द रूट ऑफ हमारे पास जो निकला, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आप बोलो माइनस का 16। अब माइनस का 16 का रूट, हालांकि मैंने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू नहीं किया है, पर थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया कि ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 निकला ना, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव यदि आ गया तो उसका रूट नहीं आएगा। अब उसका रूट क्यों नहीं आएगा, चलो देख लेते हैं एक बार, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो मैंने बोला माइनस चार का, सॉरी प्लस चार का मेरे पास आंसर क्या आएगा, प्लस चार का मेरे पास आंसर क्या, रूट कितना आएगा? तो इसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक आएगा प्लस टू, एक आएगा माइनस टू, करेक्ट है? अच्छा, रूट निकालने का मतलब यही होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करके वो आ जाए। तो मैंने बोला 4 का रूट, मतलब ऐसा नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई दो बार करके आंसर 4 आएगा। तो वो बोले साहब प्लस टू भी हो सकता है माइनस टू भी हो सकता है, क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर भी कितना, प्लस 4 आता है। यदि मैंने यहाँ पर एक और नंबर लिया, मैंने लिया दिस इज प्लस का 9, तो इसका मतलब यह रूट का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर प्लस का 9 आ जाए। तो भाई साहब इसमें भी क्या दो आंसर क्या हो सकते हैं, प्लस का 3 और माइनस का 3, दो हो सकता है। अब यदि आपको मैं ऐसा बताऊं कि अंडर रूट ऑफ 9, इसका मतलब क्या होगा? अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करके माइनस 9 आ जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनना, धीरे से बोलता हूं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करके माइनस 9 आ जाए? तो कुछ लोग तो बोले, अरे तो बड़ा आसान, मैं बता दूंगा। अच्छा, चल सोचना,
ऐसा कौन सा नंबर? प्लस थ्री, प्लस थ्री का स्क्वायर करोगे माइनस नाइन आएगा, प्लस नाइन आएगा। अच्छा, प्लस थ्री का तो स्क्वायर आपका प्लस का नाइन आएगा, माइनस नाइन तो नहीं आएगा। तो ये जो चीज है ये डज नॉट एग्जिस्ट है मैथ्स में, ये चीज नहीं है। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर में शुरू करूंगा तो उसमें इसकी डिटेलिंग में बताऊंगा फिलहाल। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, यहां पर आप नंबर तो कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, मगर जो इसके अंदर का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट मैंने बोला रूट के अंदर का पार्ट, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस सोलह इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 16 की जगह आप कुछ भी ले लो, आप यहाँ पर वो आप देख लेना, मतलब इसके अंदर आपका जो भी आएगा 15, 25, 50, मगर ये जो भी आएगा सॉल्व करके आपका क्या होना चाहिए, आपका रेंज के अंदर आप देखोगे तो ये आपका हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो से बड़ा आना चाहिए। तो ये भी आपको एक पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या देखा हमने कि आप इसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास में कभी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नंबर आएगा तो वो डिफाइन नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। मेरे हिसाब से ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये इसमें आना चाहिए, ये रेंज नहीं है, ये आपका दिस इज नॉट रेंज। हमारे पास में ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑल रियल नंबर, मगर जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 है आप कुछ भी डालो मगर ये जीरो और इसके बीच में आना चाहिए। और ये आपका वही मॉडिफाइड रेंज होगा, मॉडिफाइड मतलब कि मॉडिफाइड का मतलब इसके हिसाब से आपको उसके आंसर्स को निकालना पड़ेगा जो अभी हम बाद में क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में ये तीन फंक्शन ये हो गए, दो फंक्शन ये हो गए। अब ये मॉडुलस है, दिस इज मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तीन लेना है। तीनों को वन बाय वन हम समझ लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अभी आप लोग इतना नोट कर लो और इनकी डिटेलिंग, क्योंकि इनके लिए मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसका जो हमारे पास वैसे चलो इसका तो बता दो कंडीशन, इसमें आएगा ऑल रियल नंबर आ जाएगा, दिस इज ऑल रियल नंबर और रेंज आपका मैं बता रहा हूं। तो ये चारों का तो हो गया, पांचों का, बाकी के लास्ट के मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और भी बहुत तमाम तरह के फंक्शन है, मगर हमारे पास फिलहाल कोर्स में जो हमें करना है वो तीन ये करना है जो अभी 11th क्लास के लिए सफिशिएंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हम करेंगे जब ट्रिगो का चैप्टर लेंगे, और लॉगरिथम फंक्शन, लॉग नाम की भी चीज होती है, एक फंक्शन होता है, इसका डिटेल हम करेंगे जब हम 12th में जाएंगे, तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी भी तीन फंक्शन का ग्राफ के थ्रू, बिकॉज ये आपका ग्राफ के थ्रू होगा, इसको इतना आसानी से यहाँ पर मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो ये इन सब के जो होंगे मेरे पास में इनके ग्राफिकल मेथड से इनका मैं समझा रहा हूँ, दिस इज ग्राफिकल मेथड इनका मैं ले रहा हूँ ताकि आप इसके डोमेन और रेंज को अच्छे से समझ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास में 11th क्लास के अंदर चैप्टर 3 में आएगा और ये 12th क्लास में आएगा, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो पहले उतना पूरा, बाकी ये तीन के अभी मैं ग्राफ ले रहा हूँ। चलिए ये मॉडुलस फंक्शन है, आप इसको इस तरह से लिखा जाता है y इज इक्वल टू x प्लस 1 का मॉड, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मॉड का मतलब हमारे पास दो केस बना, x प्लस 1 और ये आपके पास दूसरा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 मतलब नेगेटिव, तो इट कैन टेक बोथ वैल्यू, ये आपका मॉड पॉजिटिव नेगेटिव दो आ सकता है। तो ये इस तरह से मॉड फंक्शन को आप दो पार्ट में स्प्लिट कर लो और इसका डोमेन और रेंज में अलग अलग आपका ले लेता हूँ मैं कलेक्टिव। तो पहले देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करा जाता है, आप कुछ भी वैल्यूज आप यहाँ पे एक्स और वाई की फिलहाल आप लेके देखें, तो आप यदि 1 लेते हो तो आंसर 2 आएगा, यदि आप 2 लेते हो तो आंसर 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, आप यदि माइनस का 1 लेते हो तो आंसर विल बी 0, एक आध और वैल्यू भी ले लो आप नेगेटिव में, तो यदि आप माइनस का 2 लेते हो तो दिस इज माइनस का 1, आप वैल्यू पुट करके देख लेना। चलो इसका हम लेते हैं दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई, तो यहाँ पर भी हम दो वैल्यूज ले लेते हैं। ग्राफ इसका ड्रॉ करके दिखाना जरूरी है यदि मॉडुलस फंक्शन को आपको अच्छे से समझना है, तो आप इसको आप लिखो माइनस एक्स माइनस वन बिकॉज साइन आपका चेंज हो गया, 0 लेते हो तो आंसर वुड बी माइनस 1, आप यदि 1 लेते हो तो आपने यहाँ 1 पुट किया तो आंसर इज माइनस का 2, आप 1 यदि पुट करते हो तो माइनस का 2, 2 यदि लेते हो तो दिस इज 2 प्लस 1 3 माइनस का 3। अच्छा ठीक है, आगे आप इसमें एक माइनस का 2 भी ले लीजिए, माइनस 2 प्लस 1 इज प्लस का 1 आएगा, आंसर इज आपका आएगा प्लस का 1, सॉल्व करके देखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका ये आएगा। अब इन चीजों को मैं प्लॉट कर लेता हूँ फटाक से,
फिर आपको मॉड्यूलस का मतलब मैं समझाता हूँ कि मॉड फंक्शन होता क्या है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ली है, x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ली है, तो दोनों तो हम इसमें ले सकते हैं। तो उसका डोमेन जो आएगा वो तो आएगा ऑल रियल नंबर, उसमें कोई डाउट नहीं हमारे पास। दूसरा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, आप प्लॉटिंग कर लो 1/2 तो दिस इज x का 1 और y के अंदर आप कितना जाएगा, दिस इज योर 2 पहला पॉइंट, अगला 2 पे कितना आया 3 तो दिस इज y पे 2 है तो 1 2 और आपका ये कौन सा निकला, दिस इज 3, आपने ये लिया 3, तो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया। अगला माइनस वन आप लेते हैं तो 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट आपका हुआ दिस इज माइनस वन पे 0 और माइनस टू पे आप यदि लेते हैं x का माइनस टू तो माइनस टू पे कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस वन का मतलब नीचे जाना पड़ेगा, तो कहीं आपका जाके वो चीज यहाँ पे आके मिलेगी माइनस टू पे माइनस। तो ये मेरे पास में 4 पॉइंट आए हैं, 4 डॉट्स आए, मैं इसको लगा देता हूँ, एक ये पॉइंट आया, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। चलो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, तो इसको यदि मैं ज्वाइन करूंगा तो आप इसको ज्वाइन इस तरह से कुछ करिए, ये आपका हो गया ज्वाइन, ठीक, मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो हल्का फुल्का ये आपका हो जाएगा। अब इसके नीचे जो ये वाला पॉइंट है मुझे डॉटेड में रखना, ये आपका दिस इज पॉजिटिव एक्स और ये माइनस एक्स था, ये वाई पॉजिटिव आया और ये वाई आपका नेगेटिव माइनस का वाई, तो साहब ये क्यों, ये नीचे का जो पार्ट आएगा ये आपका डॉटेड में रखना है, आपको डॉटेड में रखना है, मैं कारण बता रहा हूं उसका क्या है। दूसरा, मैं ये आपका चलते जाएगा, ये आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपका कॉन्टिन्यूस में चलते जाएगा। चलो दूसरी लाइन में ले लेता हूँ, 0 पे माइनस 1, तो 0 पे माइनस 1 तो ये वाला पॉइंट आ रहा है x का 1, x का यदि आप 1 ले रहे हो मतलब प्लस 1 तो इसका आएगा माइनस का 2, मतलब लगभग कुछ यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया 2। अच्छा अब अगला आप ले रहे हो 2 पे, आप जाओगे तो माइनस का 3 आएगा, तो समथिंग कुछ यहाँ पे इस तरह से चीज आएगी, और एक और आएगा आपका माइनस 2 ले लेते हैं, माइनस 2 पे कितना आया, माइनस 2 पे प्लस 1 आया, तो ये पॉइंट आया, तो ये देखो आपके पास। तो ये जो पॉइंट मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ये लाइन आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक, मगर नीचे आपको क्या करना है, नीचे हमारे पास इसका डॉटेड में ही रखना है, ठीक है। चलिए अब इसमें डॉटेड में आपने रख लिया, दिस इज मॉडुलस फंक्शन। चलो अब इन पे हम नाम भी लिख लें, y इज इक्वल टू, ये x प्लस 1 था और ये था y इज इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस 1, ये मैंने इन दोनों लाइंस पे ये मैंने रख लिया मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हमेशा बनेगा बी शेप, पहली बार तो ये, दूसरी बार मॉड का फंक्शन जो होता है y इज इक्वल टू x का मॉड, और ये मॉड का मतलब होता है, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। बहुत से बच्चे मॉड का मतलब क्या समझते हैं कि मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, उसको इस तरह से ना समझिए, आप समझिए मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि कुछ फंक्शंस ऐसे बनाए गए हैं जिसके अंदर आप वैल्यूज नेगेटिव डाल तो सकते हो मगर वो बाय डिफॉल्ट आना पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी बच्चे की एज हो गई, किसी आदमी की या किसी इंसान की उम्र हो गई, तो इंसान की उम्र यदि मैंने बोला तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस 25 या प्लस 36 या प्लस का 5 या आएगा प्लस का, मतलब प्लस में आंसर आएगा। किसी किसी बंदे की यदि मैं एज बोलता हूं या प्लस 5 या प्लस 10 या प्लस 20 या प्लस 30 वो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा क्या, मतलब व्हाट इज दिस माइनस का 5, मतलब 5 साल बाद पैदा होगा, मतलब वो हमने उसका एज बताया तो मतलब ये पैदा ही नहीं, 5 साल बाद होगा पैदा, या माइनस 10, तो ये तो एज, तो एज जो हमारे पास नेगेटिव नहीं होगी। तो इस तरह से मैथ्स में क्या होता है फंक्शन, कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहां पर आप डालोगे नेगेटिव मगर अल्टीमेटली उसका जो आंसर होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, हम उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव बनेंगे। अच्छा अब मैं यदि मैं बात करता हूं टेम्परेचर की, टेम्परेचर तो माइनस का 10 माइनस का 20 हो सकता है, ठीक है, तो टेम्परेचर का हमारे पास माइनस 10 माइनस 20 हो सकता है मगर एज आपका नेगेटिव में नहीं आएगा। तो मॉड यदि हमारे पास में फंक्शन है तो वो क्या काम करता है, वो उस किसी भी नेगेटिव वैल्यू का सिर्फ क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है। मतलब आपने वेक्टर में सीखा होगा जो क्या करता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, फिजिक्स में दो चीज होती है हमारे पास में, तो स्केलर क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड का। तो ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसका न्यूमेरिकल पार्ट,
इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल पार्ट है, हम सिर्फ माइनस का 15 मैंने लिया, तो इस नेगेटिव का जो है ना इसका कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है, हमें वो देखना है। तो न्यूमेरिकल पार्ट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब इसी चीज को देखते हुए मैंने यहां पर क्या लिया, जो इसका डोमेन अब मैं फाइनल इसका मैं कर देता हूं, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास में डोमेन आएगा, डोमेन क्या निकलेगा, डोमेन तो निकलेगा ऑल रियल नंबर, और जो हमारे पास में रेंज आएगा वो सिर्फ इस वाले क्वेश्चन के लिए। आप देखो रेंज आपका क्या ये आएगा हमारे पास में, मैंने बोला कि ये इसका जो आंसर आएगा आउटपुट आएगा वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव आप वैल्यूज आप ये आप -1 -2 ले सकते हैं, -2 लिया, मगर आंसर आपका कैलकुलेशन करने में वाई आपका -1 दिखा रहा है, मगर हमें वाई -1 लेना नहीं है। दैट मीन्स कि वाई की जो नेगेटिव वाला डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये हमारे पास में मॉडुलस फंक्शन के लिए ये वाला पार्ट होता ही नहीं है। आप इसको शेड ही कर दीजिए कि भैया ये मॉडुलस फंक्शन के लिए हमारे पास नेगेटिव जो वाई का जो पोर्शन नेगेटिव है वो कभी नहीं आ सकता, आपको हमेशा ऊपर की तरफ ही रहना है। तो ये बाय डिफॉल्ट मॉड फंक्शन का ये आपका डिफाइंड एक रेंज जो आएगा हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमारे पास आएगा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इस फंक्शन का नेचर ही ऐसा है। तो कुछ फंक्शन उसके नेचर के हिसाब से फिक्स है, उसका डोमेन और उसका रेंज आपको उसी फंक्शन, क्योंकि उसको बनाया उसी लिए गया है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपको इसमें ध्यान रखना एक्स कुछ भी ले लो, एक्स आपका -1 +1 कितना भी जा सकता है, ये माइनस की नेगेटिव लाइन आगे आपकी यहां तक आ सकती है, मगर वाई हमेशा आप कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर लो, मगर आपका इसके अंदर वाई नहीं आएगा, तो नीचे का पोर्शन आपने खत्म ही कर दिया। ठीक है, अगला लेते हैं। चलिए अगला लेते हैं सिग्नम फंक्शन, सिग्नम है ये, सिग्नम फंक्शन है, तो ये भी कुछ अलबेला सा फंक्शन है, अलबेला मतलब बनाया गया है किसी खास तरह के मकसद को, किसी खास तरह के चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो थोड़ा सा अलबेला है ये। तो ये इसका इस तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन हम लेंगे, फंक्शन इस तरह लिखा जाता है, ये इसके तीन हमारे पास ब्रांचेस है। तो पहला ये वाला जो है दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ये वाला कब डिफाइन होगा, जब लेस देन जीरो, और ये आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये तीन डोमेन को हमने क्या किया, तीन कैटेगरी में हमने क्लासिफाई कर दिया, और तीन कैटेगरी जीरो से बड़े नंबर के लिए, जीरो के लिए और जीरो से छोटे नंबर के लिए तीन कैटेगरी हमारे पास आ गई, और उसके हिसाब से ये रेंज आपको इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह का फंक्शन आपका सिग्नम फंक्शन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ग्राफ हम इसका प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ से फिर इसका हम डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारे पास, ये जो फंक्शन हमारे पास क्या बोल रहा है कि आपका +1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये आपका -1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका -1 हो गया। अब x की वैल्यू आपने 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 आपने दिया अलग से, ये -1 -2 -3 -4। अब इसका मैं टेबल भी यदि आपको बना के दिखा दूं, इसका टेबल जो है वो इस तरह से बन रहा है, ये टेबल मतलब इस तरह से यदि आपको बताऊंगा तो बच्चे थोड़ा जल्दी कैच करते हैं, थोड़ा सा उनको फैमिलियर लगता है चीजों को। आपने x इक्वल टू 1 पुट किया, 1 पुट किया तो आंसर कितना निकला 1, 2 पुट किया तो आंसर कितना निकला 1, 3 पुट किया तो आंसर कितना निकला 1, 4 पुट किया तो आंसर निकला 1। देखो ये देखो 1 पे 1 लिया, 2 पे भी 1 आया, 3 पे भी 1 आया, 4 पे भी 1 आया, 5 पे भी 1 आया। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो फिक्स हो गया 1 1 1 1 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास ये जो हमें ग्राफ इस तरह से कुछ मिलेगा, ये आपका चलता था, ये गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैं तो उसको ऐसे बोलता हूँ, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, टाइम आगे बढ़ रहा है, डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ग्राफ आपका एक्स की वैल्यू आगे बढ़ रही है 6 7 8 9 10, मगर ये जाके यहाँ पे क्या होगा, फिक्स हो गया, ये आगे आपका नहीं बढ़ रहा। तो ये वाई की वैल्यू आपकी आगे नहीं बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू आपकी वही सब पे क्या 1 पे 1 2 पे 1 3 पे 1 4 पे 1, मगर जीरो पे यदि आप लोगे तो जीरो पे हमारे पास कितना आ रहा है, जीरो पे आपका जीरो आ रहा है। अच्छा, तो ये देखो जीरो पर जीरो दिखा रहा है, 1 का पॉजिटिव वैल्यू तो प्लस का 1 आया, और 1 की नेगेटिव वैल्यूज, 1 की नेगेटिव वैल्यूज आप लोगे तो ये क्या फिक्स हो गया, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, तो छोटी वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या फिक्स हो गया, -1 व्हेन एक्स इज लेसर देन 0, तो ये आपका -1 पे फिक्स हो गया, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए आपका +1 पे फिक्स हो गया। इस ग्राफ को ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और यहां पर मैं डोमेन और रेंज यदि लिख दूं, डोमेन
और रेंज। तो डोमेन देखो, मैं नंबर लेने के लिए मैं कुछ भी ले लू, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 रूट 2 रूट 3 5 बाई 3, तो डोमेन तो नो एनी चेंज, दैट इज ऑल रियल नंबर। और इसका जो रेंज आएगा वो आपका -1 0 और +1, ये तीन इमेज आपके फिक्स है, इसमें और कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेंज आप कुछ भी लो हमेशा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। तो ये इसका डोमेन और इसका मॉडिफाइड रेंज, ये ब्रांच आपकी फिक्स है, मतलब ये आपका ऐसा ही फंक्शन है, इसका डोमेन और रेंज आपका एज इट इज। ये कई बार क्वेश्चन आपका ग्राफ में आ जाए, ग्राफ में आ जाए, ग्राफ बना के दे दे पेपर बनवा कर का, उसके अंदर प्लॉट करने को बोलेगा आगे इसको ग्राफ कंप्लीट करो, इस टाइप से आ सकता है वन मार्कर में, या फिर डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन और रेंज पूछ सकता है। तो आपको मालूम, मतलब देखो ये फंक्शन कैसा है, ग्राफ से क्लियर होता है कि इसका डोमेन क्या रेंज क्या है। तो ठीक है, एक और फंक्शन लेते हैं लास्ट, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए ये एक और अलबेला फंक्शन आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ये ऐसा लिखा जाता है, इसका एक और नाम मैंने बताया है, दिस इज कॉल्ड बॉक्स फंक्शन, बॉक्स फंक्शन भी बोला जाता है। तो बॉक्स फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा बॉक्स बना दिए, और मॉड्यूलर फंक्शन मैंने बताया उसका सिंबल कैसा होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं, आई थिंक वो एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम फिर मैं एज का एग्जांपल देता हूँ, एज का। तो नॉर्मली हम जब किसी से एज पूछते हैं तो कोई भी आदमी, देखना ये ह्यूमन टेंडेंसी है, एज किसी की यदि 12 साल और 9 महीने यदि उसकी एज है, 12 साल और 9 महीने किसी की एज है, तो वो आगे बढ़ा के बताएगा या पीछे करके बताएगा एज, नॉर्मल सी चीज बता रहा हूं मैं। तो 12 साल 9 महीने है तो क्या बताएगा, 12 साल ही बताएगा, वो नहीं बताएगा 13 साल हो गए या 13 साल तो पॉसिबल नहीं। तो एज में आप जब लेते हैं, मैंने वही छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लो, बेटा किसी का बच्चा है वो 4 साल 11 महीने का है, तो 5 साल नहीं बताया, 4 साल का 11 महीने राउंड अप हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, वही चीज हमारे पास है, मैंने बोला आपको ये 1.1 है। अब ये एक डब्बे के अंदर गया, दिस इज कॉल्ड बॉक्स फंक्शन। तो बॉक्स फंक्शन के अंदर 1.1 जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा 1। यदि आपका 1.2 है तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1 ही रहेगा। मैंने बोला 1.8 है तो भी कितना आंसर आएगा इसका 1। तो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू जो कि डेसिमल में है वैल्यू, उसका देखो नाम है ग्रेटेस्ट और काम करता है छोटा, छोटा मतलब टेक्स द लीस्ट वैल्यू, टेक्स, ये जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या करता है, टेक द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की जो छोटी वाली वैल्यू उससे छोटी, मतलब 1.9 है तो वो 2 लेगा, सॉरी 1.9 है तो 1 लेगा, इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आप देख लो, कोई बच्चा 1.1 का है उसको 1 साल का बोलेंगे, कोई बच्चा 1.2 का उसको 1 साल का बोलेंगे। अच्छा वैसे ही हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन है, 2.1 का होगा तो कितना होगा, 2 कहलाएगा, 2.8 का है तो भी कितना है, 2 कहलाएगा। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट इन फंक्शन। आप यदि लेते हो 0.1, मगर ये माइनस का लिया, मैंने नेगेटिव लिया, तो ये कितना लेगा, माइनस का 0.1 लेगा, सॉरी माइनस का 1 लेगा, दिस इज -1। तो क्योंकि ये 0 से छोटा हो रहा है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा -1। यदि मैं इसको 0.2 लेता हूँ नेगेटिव का तो ये कितना देगा, ये भी आपका -1 देगा। यदि मैं 0.9 इसका लेता हूँ तो भी कितना देगा मेरे पास में, ये -1 ही देगा आंसर। तो ये आपके पास में दिस इज कॉल्ड ग्रेट, ये मैंने कुछ आपको सेट बना के दिए हैं ना, इसका एक ग्राफ बना लेते हैं फिर इसका डोमेन रेंज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है चलिए, तो इसका ग्राफ जो है वो मैं प्लॉट कर लेता हूँ, और मेरे हिसाब से इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज मैं पहले निकाल लेता हूँ, आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। तो 0.1 पे मैं डोमेन और कोडोमेन ले लूं, ये 0 लेगा। 0.2 पे भी ये 0 लेगा। अच्छा 0.9 तक ये आंसर कितना लेगा, 0 लेगा। तो ये मैंने कुछ ऐसे एक सेट ले लिया। अब मैं एक सेट 1 से 2 के बीच में ले लेता हूँ, तो 1.1 के लिए आंसर ये 1 करेगा, 1.2 को भी आंसर कितना करेगा, ये सॉरी 1 करेगा, लीस्ट वैल्यू लेगा, और 1.8 के लिए भी आंसर कितना करेगा, ये आपका 1 करेगा। एक सेट मैंने ये लिया, दूसरा सेट मैंने ये लिया, तीसरा एक और सेट मैं ले लेता हूँ, 2.1 के लिए आपका ये आंसर 2 देगा, 2.5 के लिए भी आंसर कितना देगा आपका, 2 देगा। कोई भी वैल्यू, ध्यान रखना कोई भी वैल्यू 0 और 3 के बीच में लोगा तो उसका आंसर कितना देगा, 3 देगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ये हैं, कुछ नेगेटिव के भी एग्जांपल सेट ले लेता हूँ मैं, सेम चीज 0.1 यदि ये नेगेटिव मैं ले रहा हूँ तो
तो इसका आंसर कितना देगा? माइनस का वन देगा, 0.2, मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, इसका आंसर माइनस का वन देगा। तो ये मैंने कुछ ये दिया। अच्छा अब इसका चलो प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो नाउ द प्लॉटिंग इज लाइक दिस, आप प्लॉटिंग इसका कर लीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, एंड दिस इज योर 2 और ये आपका 3 आ गया। अब इनके बीच में मैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल ले लेता हूँ, ये 0.1 से लेकर अलग अलग वैल्यू, ये 0.5 और ये आपका अलग अलग, ये 0.5 है, ठीक है, 0.5 है, ये आपका इधर बीच में दिस इज 1.5, ये अलग अलग इंटरवल हमारे पास है, ये बीच में तो 10 डिविजन होते हैं, इनके अंदर बीच में आपका ये 2.5, ये मैंने इस तरह से नंबर लिए। चलो अब देखते हैं पहला वाला, हमारे पास ये 0.1 पे आंसर वुड बी 0, तो ये आपका 0 रहेगा, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, तो ये आपका 0 यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए, तो आपका थ्रू आउट यू विल गेट अ, मैं इसके ऊपर एक डिफरेंट कलर प्लॉट कर देता हूँ, ये तो आपका बिल्कुल एज इट इज रहेगा यहाँ से, मगर जैसे ही ये 1 आएगा तो 1 पे क्या देगा आपका, मैं यहाँ पर 1.1 और 1 के लिए भी क्या देगा आपका आंसर, ये 1 ही देगा, ठीक है, तो लेस देन हमारे पास 1 है, तो 1 के लिए आपका आंसर यहाँ पे आएगा, दिस इज योर 1। अब देखो आगे बढ़ेगा 1.1, देखते जाओ 1.1 पे कितना आंसर 1 है, तो 1.1 पे आंसर 1 आया। अच्छा 1.2 पे भी आंसर 1 आएगा, 1.3 पे भी 1 आएगा, कहां तक जाएगा? 1.9 तक, ये आपका 1.9 तक आपका आंसर कितना देगा? ये आपका 1 देगा। अच्छा अब देखते हैं 2 पर, तो जैसे ही आपका यहाँ पे 2 आया तो 2 पे आपका ऊपर चला जाएगा। देखो ध्यान से, ये 2 है तो 2 पर यहां पर एक होल बना देना है आपको, दिस इज होल, छिद्र, होल मतलब वहां पर 2 पर ये नंबर तो नहीं आएगा, इसके ऊपर का नंबर आएगा, दिस इज योर डॉट, ये आपका निकल गया डॉट, ये आपका कितना निकला 2, ये आपका कितना निकला 1। अच्छा देखो 2 पर यहाँ गोला बना के मैं ऊपर शिफ्ट हो गया, ये गोला जो ब्लैंक डॉट है, ये जो ब्लैंक दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 1.9 तक तो रेगुलर आपके पास में ये वैल्यूज दे रहा था, मगर 2 पर कहां चला गया? ऊपर चला गया। अब आगे की तरफ आप जाओगे 2.1 पे, तो ये देखो आपका ये वैल्यूज इस तरह से आती रहेंगी, ये कॉन्टिन्यूस वैल्यू दे, कहां तक देगा? ये आपका 3, ये देखो 3 वाले प्लेस पे क्या करेगा, फिर यहाँ पे एक गोला बना दो, तो ये 2.9 तक आप जाओगे तो आपको एक रेगुलर वैल्यूज देगा, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। और 3 पे क्या हुआ? इसने हल्का सा छेद बना दिया, छेद का मतलब 3 पे आपका आंसर यहां से शुरू होगा, फिर ये आपका एंड ऑन इस तरह से चलता जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से, अब आप देख लो ऐसे स्टेप्स, मैं इसको सीढ़ियां बोलता हूँ चढ़ने के लिए, पहले ये वाला, इस पे यहाँ चढ़ो, यहाँ पर भी एक होल मार दू, यहाँ पर भी गोला आएगा आपका, ठीक है, देखो अब फिर यहाँ 1 पे चढ़ गए, फिर यहाँ से आप 2 पे चढ़ गए, ये यहाँ से फिर यहाँ से आप अगले वाले पे चढ़ गए, तो ये आपका इस तरह से फंक्शन, और ये नेगेटिव में भी हमारे पास इस तरह चलता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव में भी वैल्यूज इस तरह से आप लेके चलोगे। तो ये मैंने प्लॉटिंग करके बताया आपको, दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो क्या करता है? राउंड ऑफ करता है चीजों को। अब इसका डोमेन और को डोमेन भी लिख लेते हैं। डोमेन में ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, क्योंकि किसी चीज को मना नहीं करेगा। और अगला कौन सा लेते हैं? इसका रेंज। तो द रेंज हमारे पास आपको पता है, ऑल इंटीजर्स, इंटीजर मतलब +1, +2, +3, -1, -2, -3, वो चलेगा, मगर इंटीजर लेगा, ये रैशनल नंबर नहीं आएगा, हम क्या बोलेंगे? ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर। तो इसके अंदर रेंज में हमारे पास सारे इंटीजर आ सकते हैं, मगर कोई रैशनल या इरैशनल नंबर तो नहीं आ सकता। तो दिस इज लास्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका डोमेन को डोमेन डायरेक्टली आप याद कर लो, ग्राफ प्लॉट करके आप लोग प्रैक्टिस करना है और उसको भेजना है। ग्राफ के लिए आपको ये सेट ऑफ नंबर आपको लिखने पड़ेंगे आपको, और सेट ऑफ नंबर, ग्राफ और डोमेन को डोमेन आपको, अभी तक का जो काम किया है, मेन आखिरी के 3 ग्राफ है, इसको तो प्लॉट प्रॉपर करना ही करना है आपको। That is, हमने सिग्नम फंक्शन लिया, एक मॉडुलस फंक्शन लिया और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया। अब मैं कुछ 2.3 के कुछ क्वेश्चन ले लू, ठीक है, जल्दी से फटाफट लेते हैं। चलिए ये 2.3 है, सॉरी ये 2.3 है एनसीईआरटी का, फटाफट जल्दी से क्वेश्चन छोटे हैं, थ्योरी बहुत ज्यादा हो गई, आई नो दैट, तुम लोग देख देख के वीडियो बोर हो गए होंगे, बट ध्यान रखना एक एक शब्द मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, जो मतलब एक शब्द फालतू चीजें बताई नहीं है, जितना जरूरी था उन शब्द सभी चीजों को मैंने कंटेंट में छोटा करने की कोशिश की, खत्म करने की।
चलो अगला ये मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, तो ये सारे रिलेशन तो है, इसमें देखना फंक्शन है कि नहीं है, तो फटाफट मैं जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। उसमें आपका है 258, 258, 11, 14 और 17, और ये आपके पास में आ गया 1, ये पहला वाला, मतलब ये 2 पे 1, 5 पे 1, 8 पे 1, 11 पे 1, 14 पे 1 और 17 पे 1। तो भैया ये आपके पास फंक्शन है या नहीं है, तो ये आपको, ये हमारे पास पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा मैं वो सारा इकट्ठा मैं लिख लेता हूँ, फिर वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए अगला मेरे पास है, दिस इज 246, 246, 8, 10, 12 और 14, और इसमें आपका आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये इस तरह से इसने डिफाइन करके दिया होगा मेरे पास, तो ये वाला फंक्शन है या नहीं है। और थर्ड मेरे पास में जो ऑप्शन है वो भी मैं इकट्ठा ले लेता हूँ। थर्ड वाले ऑप्शन में है 1, 1 और 2 है, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 3 और ये आपका 5 आ रहा है। 1 पे 3 है और 1 पे 5 है और 2 पे भी आपके पास 5 है। चलिए तो ये फंक्शन हम इसका देते हैं, कौन सा रिलेशन है और कौन सा फंक्शन है। चलिए तो ये फंक्शन है या नहीं है तो आपको ध्यान रखना था, ये मैनी का 1, ये मैनी ऑब्जेक्ट का 1 के साथ में रिलेशन है, मगर है तो सही, ये फंक्शन है, तो ये मैनी 1 फंक्शन बोलेंगे इसको, मैंने अभी थ्योरी में लिया था। और 1 का 2 ही बताया था मैंने, 1 का 2 नहीं हो सकता, वो रिश्ते हो सकते हैं 1 के साथ में 2, मगर फंक्शन नहीं हो सकता। अच्छा ये वाला फंक्शन मेरे पास, ये वाला 1 1 फंक्शन है, बिल्कुल है, और ये वाला रिलेशन जो है दिस इज अ फंक्शन, ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, और ये रिलेशन है मगर फंक्शन नहीं, क्योंकि 1 का 2 नहीं हो सकता, दैट मीन्स वो आपको क्लियर है। तो दिस इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन, ये आपके पास में रिलेशन है बट नॉट अ फंक्शन, तो ये आपके पास फंक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 के साथ में 2, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2 नहीं चलेगा भैया, ठीक है। तो ये मैनी 1 फंक्शन है। अच्छा इसमें को डोमेन और को डोमेन आप देख लो, तो डोमेन ये वाले सारे हो गए, रेंज में आपका सबका 1 ही आ रहा है, इसमें ये डोमेन है ये रेंज है, इसमें ये डोमेन है ये रेंज है, तो ये मगर इफ इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये मॉड्यूलर फंक्शन है, मॉड्यूलर फंक्शन में इतना कोई तामझाम नहीं होता, ये आपको पता है इसका जो डोमेन आएगा, इसका जो डोमेन, इसने बोला है फाइंड डोमेन रेंज, तो डोमेन तो उसका क्या कर लो ऑल रियल नंबर, क्योंकि किसी को मना नहीं करेगा ये, और आप इसमें जो रेंज आएगा, रेंज इसका क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव इंटीजर, तो कुछ फंक्शंस में आपको कोई प्रॉपर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करनी है डोमेन रेंज बताने के लिए, क्लियरली क्वेश्चन से दिख जाता हो, तो ये मॉड्यूलर फंक्शन उसमें का होता है जहां पर आपको ज्यादा कोई कोई मैथमेटिकल अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूलर फंक्शन का आप जस्ट एक, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका रियल डोमेन और रेंज आपका निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पहले तो मैं लिख दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आज की क्लास इतनी लंबी हो गई तो उसका आज का एक क्वेश्चन कम से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो निकाल दूं। ये छप गया जिसके जिसके स्कूल में पेपर होगा रिलेशन फंक्शन का, और यदि इसका वेटेज 6-7 नंबर का है उसके अंदर ये क्वेश्चन छप गया, पक्का है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, फॉर 4 मार्कर 4 नंबर fx = 9x² हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, fx = √(9 − x²). अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालना है, तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कहाँ पर डोमेन है, कहाँ पर रेंज है, कहाँ पर दोनों है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर शायद मुझे क्वेश्चन में डोमेन और रेंज दोनों निकालना है, साहब फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो ये क्वेश्चन का पहले हम निकालेंगे डोमेन। चलो अब डोमेन में अभी रूट मैंने फंक्शन बताया था, रूट के अंदर क्या बताया था मैंने, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ये रूट के अंदर की चीजें नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो क्या बोलूंगा भैया पहले मैं, रूट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन
is not defined defined for defined for negative values. Therefore, 9 minus x square is greater than equal to 0. पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमें पता है कि ये नंबर जो भी आना चाहिए क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए. अब यहाँ पे इसका वेक्टर बनाओ, दिस इज 3 प्लस एक्स और ये बना 3 माइनस एक्स, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये दो फैक्टर बने, तो एक तो बना मेरे पास 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा बना 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दो फैक्टर आपने दोनों को 0 से इक्वेट करके निकाला आपने, तो ये दो केस बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों 0 से बड़े होने चाहिए. अच्छा, यहां से आप ट्रांसपोज करो, x को उधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो ये हमारे पास x को नहीं शिफ्ट कर रहा हूं, सॉरी 3 को शिफ्ट करूंगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, एक तो हमारे पास ये निकला. और यहां पर x को शिफ्ट करूंगा तो x इज लेस देन इक्वल टू कितना निकलेगा, प्लस का 3. तो ये क्या निकला, अच्छा x का मतलब क्या निकला, आपका डोमेन जो यहाँ पर आप वैल्यू डालोगे ताकि आपके पास ये पॉजिटिव रहे, या तो आप 3 से छोटा या फिर माइनस 3 से बड़ा, माइनस 3 से आप बड़ी वैल्यूज लोगे या फिर प्लस 3 से आप छोटी वैल्यूज लोगे. तो ठीक है, मतलब माइनस 3 और प्लस 3 के बीच में, एक तो इसको इस तरह से लिखेंगे और इसका लिखने का जो तरीका होगा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ. डोमेन जो इसका जो फाइनल आंसर आप लिखोगे, डोमेन वो आप लिखोगे x इज लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3. ये एक तरीका तो ये हो गया. चलिए, ब्रैकेट आपने इसका लेस देन उसके फॉर्म में लिखा आपने, तो ये आपका डोमेन आंसर में आप इस तरह से लिखेंगे. और यदि इसको मुझे ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखना है तो माइनस 3 प्लस 3, तो ये ब्रैकेट के फॉर्म में आपका इस तरह से आएगा. ये इंक्लूसिव ब्रैकेट लगा रखे मैंने, तो ब्रैकेट के फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिख सकते हो. चलिए, अब इसका डोमेन निकल गया. अब डोमेन निकाल के छोड़ना मत, क्योंकि ये 4 मार्कर का है, तो यदि 4 नंबर में आएगा तो रेंज भी आपको निकालना पड़ेगा. और लेट्स फाइंड आउट द रेंज. तो स्क्वायर रूट फंक्शन आपके पास ये है, तो रेंज का फॉर्मेट लिख लो भैया, लेट y इज इक्वल टू fx. ये मैथमेटिकली आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. ये तो आपका हो गया जस्ट एक बाय द लॉजिक ऑफ डोमेन रेंज, ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन निकलेगा, मगर स्क्वायर रूट फंक्शन का ये फॉर्मेट आपको, ये आपको याद करना पड़ेगा. और रेंज निकालने के लिए आपको हमेशा y से इक्वेट करना पड़ेगा. तो y इज इक्वल टू आपके पास में व्हाट इज द फंक्शन, आपने लिया fx की जगह आपको y पुट करना है, तो आप यहां कितना पुट कर दो, y पुट कर दो अंडर द रूट ऑफ 9 माइनस ऑफ x स्क्वायर. अच्छा, अब देखो x जो मेरे पास है वो डोमेन है और y जो है जो उसका आंसर आएगा वो उसका रेंज है. तो मुझे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड. पहले मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो दिस इज y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस ऑफ x स्क्वायर. अच्छा, ये निकला x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस, मैंने ट्रांसपोज किया उस चीज को और ट्रांसपोज करके फिर मैंने इसका रूट चढ़ा दिया, x इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 9 माइनस y का स्क्वायर. देखिए, मुझे यदि x निकालना था तो मैंने x की रिस्ट्रिक्शन को देखा, x निकालना था मतलब डोमेन निकालना था, तो मैंने डोमेन की रिस्ट्रिक्शन को देखा कि डोमेन हमारे पास क्या नहीं हो सकता है, और वो मैंने बताया कि नेगेटिव नहीं हो सकता है. अब मुझे y निकालना है, मतलब रेंज निकालना है, और रेंज निकालने के लिए मुझे y की रिस्ट्रिक्शन को देखना पड़ेगा. अभी मेरे पास में y में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मगर मैथमेटिकली मैंने उसको रिस्ट्रिक्शन में डाला, तो मैं फिर बोल दूं यहां पर मैंने जो स्क्वायरिंग किया SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये SBS लिखा है मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड. ये क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे y को रिस्ट्रिक्शन में डालना था. अब देखो, क्या y किसी रिस्ट्रिक्शन में आया, अब फंस गया y फंसाना था मुझे, y फंस गया, क्योंकि जब तक मैं y को नहीं फंसाऊंगा, रिस्ट्रिक्शन में नहीं डालूंगा, y की वैल्यू नहीं निकल पाएगी. अब हम निकाल सकते हैं कि y मेरा क्या क्या नहीं हो सकता. वैसे होने का तो कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर, बट मैंने बताया ना स्क्वायर रूट के अंदर आपको डोमेन और रेंज को मॉडिफाई करना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से. तो फिर से वहां पे क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, सेम लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड फॉर, स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज. तो मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगा 9 माइनस वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0. फिर से सेम प्रोसेस यहाँ पर चलने वाला है. तो दिस इज 3 प्लस का वाई और 3 माइनस का वाई इज ग्रेटर देन 0. फिर यहाँ पर वही चीज, 3 प्लस का वाई ग्रेटर देन 0 और 3 माइनस का वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. यहाँ से निकला वाई इज ग्रेटर देन माइनस का 3 और यहाँ से क्या निकलेगा, वाई इज लेस देन प्लस का 3. ये लो साहब, बोले क्या डोमेन और रेंज सेम आ सकता है, वैसे तो आ सकता है, मगर अभी ये जो है हमारे पास, दिस इज नॉट रेंज, ये रेंज नहीं है, ये रेंज नहीं है, दिस इज कोडोमेन.
दिस इज आवर कोडोमेन। हमारे पास जो आया है ये कोडोमेन आया, ये रेंज नहीं आया। मतलब ये हम ये मैंने आपको बताया कि मैंने बताया था कोडोमेन रेंज में क्या अंदर, मतलब कि रेंज अब इसके अंदर में कुछ ना कुछ होगा, माइनस थ्री प्लस थ्री के बीच में, ये आपका पूरा सेट आ गया, सेट बी। अब इसके अंदर से रेंज कौन सा है, हो सकता है कि सारे के सारे रेंज हो माइनस थ्री से प्लस थ्री वाले, या फिर इसमें कुछ सिलेक्टिव आइटम मुझे निकालने पड़ेंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा एक और मैंने कहा एरो डायग्राम बहुत जरूरी है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जीरो वन टू और थ्री, आप यहाँ पर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जीरो वन टू और ये थ्री, ये ले लिया मैंने, ये आपके मैंने यहाँ रख लिया एक्स और ये रख लिया मैंने वाई, ये डोमेन और कोडोमेन। देखो छोटी छोटी बात को समझाने के लिए कितना टाइम लगाना पड़ता है, और ये मेरे को शौक नहीं है टाइम लगाना, ये क्लियर करना मेरा काम है, क्योंकि अभी वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, आप लोग के सारे डाउट्स मेरे दिमाग में भरे हुए हैं कि आप लोग के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आए होंगे, तो उसके हिसाब से मुझे हर चीज को बताना जरूरी है, तो आप इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, बट ठीक है आप लोग को करना है, चलो ठीक है देखते हैं। अब ये एक्स की वैल्यू को मेरे पास में माइनस वन टू थ्री मेरे सारा ले लिया। आप देखो नंबर, आप यदि फंक्शन के अंदर, ये जो मेरे पास में क्वेश्चन है इसके अंदर हम यदि क्या करेंगे, आप यहाँ माइनस वन डाल सकते हो, हाँ डाल सकते हो, माइनस वन का स्क्वायर कितना निकला वन, नाइन माइनस वन कितना निकला एट, एट आपका आया, वो भी रूट के अंदर आया, ये कितना निकला रूट एट आया। अच्छा रूट एट की वैल्यू क्या होगी, लगभग दो और तीन के बीच में आएगी, तो मैं माइनस वन जो वैल्यू ले रहा हूं मैं, ये आपका वन है और ये कुछ आपका टू पॉइंट टू ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो माइनस वन की जगह मैंने लिया तो कितना निकला 2.2 रखा। अच्छा माइनस टू लिया मैंने, यहाँ पर करो देखो आप माइनस टू तो कितना निकला चार, नाइन में से चार का कितना बचा पांच, पांच का भी कितना आएगा लगभग कुछ आपका 2.1 आएगा, ये आपका 2. इसको इस तरह से ले लो 2.1 और ये 2.4 रख लीजिए आप, तो आपने पहले कितना देखा ये आया था, दूसरा कितना निकला आपका ये आया, तो आप इस तरह देखिए जीरो पे आपका ये आ रहा है। माइनस थ्री देखो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस थ्री पे कितना आएगा थ्री का स्क्वायर नाइन, और नाइन माइनस कितना निकल गया जीरो, तो माइनस थ्री पे कितना निकल गया आपका जीरो आ रहा है। अच्छा आप इस तरह से जीरो रख के देखोगे, आप यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रखो तो कितना आएगा प्लस का तीन आएगा, तो जीरो पे प्लस का तीन आएगा, आप जो भी देखोगे वन पे आपका फिर वही सब चीजें वैल्यूज आएंगी। ये जो भी निकलेगा आप ये देखिए क्या क्या मेरे पास में इन तीनों का कोई यूज है, नहीं है, क्योंकि y कभी भी इस केस में आंसर जो आपका आएगा y, ये जो आंसर निकलेगा y, ये नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव नहीं आएगा, तो हमारा क्या कोड में आया, बट अब यहां पर आंसर लिख देते हैं, बट द रेंज इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर दिस केस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेंज आपका जो आएगा रूट के अंदर आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, देयरफॉर जो आपके पास में इस आंसर का रेंज आएगा दैट इज जीरो से लेके प्लस थ्री के बीच की वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो आई होप इतना आज आपका बहुत है, बाकी क्वेश्चंस आपके इसके जो एक्सरसाइज के हैं वो खुद ट्राई करो, छोटे मोटे आखिरी के बनवा कर गए हैं, ट्रेंड ट्रायल मेथड से निकल जाएंगे, नहीं तो डाउट भेजना, ठीक है, चलो बाय, सी यू।